सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ब्लॉक फील्ड ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। अब अगर हम इस गेम की बात करें ना, तो ये जो गेम है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमको साइन इन करने का बोल रहा है, साइन इन करने का बोल रहा है। इसका मतलब कि हम इस गेम को जो है बिना इंटरनेट के तो प्ले कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक ऑनलाइन गेम भी है। तो यहाँ पर जो आपका डाउट था वो हो गया होगा क्लियर। अब हम बात करेंगे इस गेम की। तो ये एक जो है ना मतलब एक मल्टीप्लेयर गेम है, जहाँ पर आपको जो है मतलब वो सब करना पड़ता है अपना, जो भी क्या ही बोलेंगे, किस तरीके से बोलते हैं उसको, प्लेयर्स इन सब के साथ में प्ले करने का है। ये भूल गया हूँ मैं कि TPP मोड है गेम में कि FPP मोड है। थोड़ा मैं बताते बताते मेरा ध्यान कहीं और चले जाता है ना, तो मैं अटक जाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है देखने को मिल रहा है, थोड़ा ये जो लोगो है ना, ये मेरे फर्स्ट चैनल का था, जो कि मैंने अभी बंद भी कर दिया, चैनल चलाता नहीं उसको। बाकी हाँ, यहाँ पर जो है ना आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है ना लिस्ट, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पर आपको मतलब कुछ कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे एक शूटिंग रेंज है, सर्वर से एंड क्लैन से, तो क्लैन से अभी हमारा आया नहीं है। बाकी एनीवेज अगर हम सेटिंग की बात करेंगे, तो सेटिंग में आपको ग्राफिक्स देखने को मिलती है, जो कि हमारी हाई तक जाती है पूरी, जो भी हमने वहाँ तक पहुँचा दी है इसको। साउंड नो प्रॉब्लम यहाँ पर जो भी है, ये भी हमारा ऐसे ही है। यहाँ पर से बैक होते हैं, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर से आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर से उनसे रिक्वेस्ट करके प्ले कर सकते हैं। बैटल पर हम करते हैं क्लिक। बहुत सारे गेम मोड है जिसमें कि टीम डेथ मैच हम जानते हैं, तो हम टीम डेथ मैच में ही गेम को जो है प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर इस गेम की बात करूँ तो जो इसका साइज़ है कुछ 100 MB के आसपास है, एंड इस गेम के अंदर में मतलब एडिशनली कुछ नहीं लगता है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो कम साइज़ का अगर आपके फ्रेंड्स के साथ में आपको ऑनलाइन गेम खेलना है, तो एक बार इसको देख सकते हैं। देखो ग्राफिक्स उतनी एडवांस नहीं है, बट ये गेम ना काफ़ी हद तक CS:GO से इंस्पायर आपको देखने को जो है मिल रहा है। यहाँ पर हमारी जो गन है वो भी कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। यहाँ मैप देख सकते हैं ना, तो मैप में भी अगर मैं कहूँ ना, तो ये जो लोकेशंस आपको दिख रही है ना, ये मोस्ट ऑफ द लोकेशंस शायद आपको जो है ना CS:GO में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ना, हाँ CS:GO के मैप में ऐसी कोई लोकेशन तो ज़रूर है। बाकी अभी देखो कोई आया नहीं है, क्योंकि अभी शायद गेम में प्लेयर्स है भी कि नहीं, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। बाकी हम जंप करते हैं एंड यहाँ पर कुछ देखते हैं क्या है नहीं है। यहाँ पर से शूट करने का मुझे लगा स्कोप ऑन करने का है। बाकी चलो, मैप तो बहुत बड़ा, अच्छा खासा मैप है। ये बी पॉइंट है। अब ये शायद ना वो कोई कैप्चर द पॉइंट वाला कोई एक मोड होता है ना, उसके काम आएगा। बाकी यहाँ पर और क्या है पूरा तो ढूंढ रहे हैं हम, एक भी नहीं मिल रहा है हमको। क्रॉस हेयर का आप जो है ना, क्रॉस हेयर की मतलब यहाँ पर से जो ये कलर वलर है, इसको भी आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे पॉइंट साइज़ ये वो इस तरीके से काफ़ी डिटेल में है। तो चलो लीव करते हैं हम, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके भी थैंक यू।